इंस्टाग्राम अकाउंट, इसके ऊपर अगर हम लोग आए और ये ऑडियंस हम लोगों ने बनानी हो इंस्टाग्राम अकाउंट की, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे ये मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो हमारे पास अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो आपका अकाउंट आएगा और उसके बाद ये मुख्तलिफ इवेंट्स है। सबसे पहला इवेंट है हमारे पास हु स्टार्टेड फॉलोइंग दिस प्रोफेशनल अकाउंट। ये जो भी यहाँ पे अब हम लोग इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो वो पर्सन जिन्होंने उस अकाउंट को फॉलो किया होगा तो वो सारे के सारे इसके अंदर जो है वो आ जाएंगे अगर इस इवेंट को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है एवरीवन हु इंगेज विद प्रोफेशनल अकाउंट। तो ये नॉर्मली इंस्टाग्राम इंगेजर्स किसी भी सेंस के अंदर अगर आपके अकाउंट के साथ उन्होंने प्रीवियसली इंगेज किया होगा तो हम लोग जो है वो इस ऑप्शन को जो है वो यूज करेंगे। उसके बाद एनीवन हु विजिटेड दिस प्रोफेशनल अकाउंट प्रोफाइल। तो अगर किसी ने आपकी स्पेसिफिक उस प्रोफाइल को विजिट किया हुआ है उनको भी टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद हु इंगेज विद एनी पोस्ट और एड, वो लोग जो किसी पोस्ट और एड के साथ इंगेज हुए, या पीपल हु सेंट अ मैसेज टू दिस प्रोफेशनल अकाउंट, वो लोग जिन्होंने इस अकाउंट के ऊपर जो है वो मैसेज सेंड किया। और लास्ट पे आ रहा है हु सेव एनी पोस्ट और एड, अगर किसी ने जो है वो कोई पोस्ट सेव किया है उस एड से रिलेटेड तो वो आ जाएगा। तो ये यहाँ पे तकरीबन सारे इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहे होंगे तो मैं अपना रेलिवेंट वन जो है वो चूज करता हूँ और ये इंगेज एवरीवन हु इंगेज विद दिस अकाउंट। रिटेंशन अगेन मैक्सिमम 365 तक आ रही है लेकिन हमें 30 डेज चाहिए। और हम लोग जो है वो क्या करेंगे, आईजी इंगेजर्स 30 डेज, ये ऑडियंस जो है वो मैंने बना ली और क्रिएट ऑडियंस बटन पे क्लिक कर दिया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर जितने भी लोग जो है वो इंगेज हो रहे हैं उनकी ऑडियंस भी जो है वो बना सकते हैं।